नमस्कार दोस्तों, मैं हरदयाल सिंह और आप देख रहे हैं जॉब्स इंडिया डेली। हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस, जिसका हमने कुछ पार्ट हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है। ठीक है, अब हम मेजरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं कि अब फंडामेंटल जो यूनिट्स होती हैं वो क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, जिनको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है। फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है, इनको बोला जाता है मूल राशियां। ठीक है, क्या बोलते हैं, मूल राशियां या फिर मूल मात्रक बोल दिया जाता है इनको। क्लियर हुआ। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, इनको क्यों बोला जाता है। इनको ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इसलिए बोला जाता है कि इन जो राशि है इनको डिनोट करने के लिए किसी दूसरी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। मतलब ये वो राशियां हैं जो इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। ठीक है, ये क्या होती है, स्वतंत्र राशियां होती है। इनको डिनोट करने के लिए किसी दूसरी राशि पे डिपेंड अपने को नहीं होना पड़ता, यानी आप ये बोल सकते हैं कि ये राशियां अपने आप में कंप्लीट होती है। वो अभी देखेंगे कि कौन कौन सी राशि है। ठीक है, तो ये स्वतंत्र राशियां होती है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी भौतिक राशि की जरूरत नहीं होती, ठीक है, वो राशि क्या कहलाएगी आपकी, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहलाएगी, फंडामेंटल राशियां कहलाएगी। अच्छा, इसी के साथ हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा इसमें तो ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन जिसमें ज़रूरत पड़ेगी दूसरी राशि की उसको क्या बोलेंगे। उनको बोला जाता है डेराइव्ड क्वांटिटीज़, यानी कि व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न मतलब ये होता है कि जिनको मूल राशियों से हम डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। ठीक है, उन वो क्या करेगी, इस पे डिपेंड करेगी। ये जो सात राशियां हम फंडामेंटल क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे वो राशियां इन पे डिपेंड करेगी, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट है। तो चलिए यहाँ पे देखें कि फंडामेंटल यूनिट जो है, फंडामेंटल राशियां कितनी होती है। तो विज्ञान में, साइंस में क्या करते हैं, सात फंडामेंटल राशियां होती है, यानी सात मूल राशियां होती है, सात मूल राशियां होती है, साथ ही साथ दो पूरक मूल राशियां होती है, या आप इनको पूरक राशियां बोल सकते हैं। क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, ये सात और दो जो चीज़ें हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं, एक टेबल ड्रॉ करते हैं। आई थिंक ये नोट कर लिया होगा आपने। तो चलिए एक टेबल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जिसमें ये सात के साथ जो फंडामेंटल बिल्डिंग है, मतलब फंडामेंटल राशियाँ हैं, ये हम दिखाएंगे आपको। भौतिक राशियाँ हो गई, उसके बाद मात्रक और इनके सिंबल। मात्रक इनको बोला गया है यूनिट, ठीक है, और साथ ही साथ इनके सिंबल यानी संकेत। तो चलिए ये है अपने पास एक टेबल, जिसमें पहली राशि जो है वो क्या है। अब पहली राशि जो है वो है लंबाई, ठीक है, ये हम क्या बोल रहे हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं। सात जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उसमें पहली है लंबाई यानी लेंथ। अब देखिए लंबाई जो है इसका मात्रक क्या होता है। अब हम ऐसा ही सिस्टम में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम होता है सात फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो ऐसा ही सिस्टम से डेराइव की गई है। तो ऐसा ही सिस्टम जो है वहाँ से ली गई है, तो ऐसा ही सिस्टम में इसका मात्रक जो है वो क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, लंबाई का मात्रक मीटर है। अब लंबाई को डिनोट करने के लिए देखो कहीं और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी राशि की। जैसे ही आपके सामने आया कि इस बोर्ड की जो लेंथ है वो कितनी होगी, तो आप बोल देंगे कि 8 मीटर, 2 मीटर या 3 मीटर कितने भी है। ठीक है, किसी दूसरे पे अपने को डिपेंड नहीं होना पड़ा, तो इसीलिए बोला गया कि ये राशियाँ स्वतंत्र होती है, दूसरे पे डिपेंड नहीं करती।
अब इसका संकेत या सिंबल जो है वो क्या होता है, एम होता है, या फिर हिंदी में इसको मीटर लगा के ऐसे लिख दिया जाता है। क्लियर हुआ? सेकंड जो है, सेकंड नंबर पे, दो नंबर पे है आपका समय, यानी कि टाइम। ठीक है, अब टाइम जो है वो आपको पता है किस में डिनोट किया जाता है, सेकंड में डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और इसकी तरह सेकंड का जो सिंबल है वो एस लिखा जाता है, या फिर हिंदी में इसको इसको से लिख के और डॉट लगा दिया जाता है, सेकंड। ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये ज़रूरत है, इन चीज़ों की ज़रूरत है कि ये मात्रक इनके क्या होते हैं। नेक्स्ट और बढ़ते हैं हम आगे, थर्ड जो क्वांटिटीज़ है वो देखिए क्या है। थर्ड क्वांटिटी आपके पास है द्रव्यमान, ठीक है, इसको बोला जाता है मास। अब द्रव्यमान जो है उसकी यूनिट क्या होती है, वो होता है साहब किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम होता है ये, और केजी इसका सिंबल होता है। ठीक है, हिंदी में कोई ज़रूरत नहीं, आप लिखना भी चाहें तो ये लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ? तो केजी या फिर ये किग्राल डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगली जो क्वांटिटी है वो आपके पास क्या है, टेम्परेचर। अगला है अपने पास, या फिर ताप, टेम्परेचर या ताप। अब जो टेम्परेचर ताप होता है इसकी मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक लिया जाता है सेंटीग्रेड, इसका मात्रक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसका मात्रक केल्विन लिया जाता है। ठीक है, और जब भी आप फिजिक्स वगैरह में आप जाते हैं और वहाँ पे न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, थर्मोडाइनमिक्स जो होती है उसमें आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो वहाँ पर केल्विन ही एक मात्रक लिया जाता है टेम्परेचर का। ठीक है, तो अभी जो टेम्परेचर का मात्रक है वो क्या हो जाएगा, केल्विन। क्लियर हुआ? इसको डिनोट किया जाता है के से। ठीक है, और हिंदी में आप ये लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, तो ये आपका केल्विन हो गया। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें आगे, तो फिफ्थ जो है वो है विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या हो गया, विद्युत धारा, इसको बोला गया है इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट। अब विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक आपको पता है एम्पियर होता है। ठीक है, ए से उसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एम्पियर, और ए से इसको डिनोट कर दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिक्स्थ जो क्वांटिटी है वो आपके पास क्या है, वो है साहब ज्योति तीव्रता। ठीक है, वो क्या है, ज्योति तीव्रता, या फिर इसको बोला जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या बोला गया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो हम लिख लेते हैं यहीं पे, अगली जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, वो है आपके पास पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, या फिर बोला जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर हुआ? तो ये वो सात राशियां हैं। अब देख लेते हैं कि इनके क्या होते हैं मात्रक। तो आपकी ज्योति तीव्रता या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, उसका मात्रक कैंडेला होता है, और उसको सीडी से डिनोट किया जाता है, कैंडेला, या फिर क्या डिनोट करेंगे, इसको सी डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से पदार्थ की मात्रा जो होती है इसको मोल में डिनोट किया जाता है, और मोल इसका मात्रक होता है, एम ओ एल लिखा जाता है इसको डिनोट करने के लिए। तो साहब ये है आपके पास सेवन फंडामेंटल यूनिट, या फिर आप लिखें यहाँ पे सात फंडामेंटल क्वांटिटीज़, या सात मूल राशियाँ। ये तो क्या हो गई, सात मूल राशियां हो गई। अब हमने वो भी देखा था कि दो इसमें क्या होती है, पूरक मूल राशियां होती है। ठीक है, तो दो पूरक मूल राशियां जो है वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहां पे आप लिखें पूरक मूल राशि,
अब ये पूरक मूल राशियां जो है ये क्या है, इसी तरह से एक टेबल बनाएं पूरक मूल राशियों में कोण से रिलेटेड होती है, क्योंकि कोण जो है हम इन चीज़ों में नाप नहीं सकते, उसको मीटर सेकंड या इन किसी भी सेवन जो मात्रक दिए गए हैं इनमें से किसी में भी हम एंगल को नहीं मेजर कर सकते। तो एंगल के लिए कुछ अलग यूनिट हैं जिनके लिए हम देखेंगे। एक तो होता है समतल कोण, एक होता है ठोस कोण। समतल कोण और ठोस कोण होता है, समतल कोण की मात्रक जो होती है वो रेडियन में ये लिया जाता है और ये होता है स्टे रेडियन में, ठीक है। ये मात्रक जो है वो क्या होता है, रेडियन होता है और ये स्टे रेडियन होता है। ये क्लियर हुआ, दोनों के मात्रक रेडियन और स्टे रेडियन। रेडियन को आर डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, और स्टे रेडियन को एस आर से। क्लियर हुआ, ये है आपके पास, इसको बोला जाता है सॉलिड एंगल। ये हो गया प्लेन एंगल, ठीक है। तो ये दो वो पूरक राशियां हैं और ये सात आपकी फंडामेंटल राशियां थी। अब इन्हीं से सारी की सारी राशियां, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन्हीं पे डिपेंड करती है और इनसे रिलेटेड हम कोई भी मात्रक निकाला जा सकता है। चाहे आप अब डेराइव यूनिट पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हम इन सातों को यूज़ करते हुए और दो वो इन नो क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, पूरी जो फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटी है उन सब के मात्रक या फिर उनकी सारी की सारी यूनिट निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम डेराइव यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने देख लिया कि ये तो सारी क्या थी, फंडामेंटल यूनिट्स थी जो डिपेंड नहीं करती किसी पे। आपको इनके क्या करने हैं, मात्रक्स तो याद करने ही करने हैं, साथ ही साथ इन मूल मात्रकों के सिंबल भी आपको याद करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वांटिटी है अपने पास उसको हम बोलेंगे डेराइव यूनिट। डेराइव्ड क्वांटिटीज या फिर व्युत्पन्न राशियां, अब ये व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, हम पहले ही देख चुके हैं कि ये मूल जो राशियां होती है उन पे डिपेंड करती है, क्या करती है, मूल राशियों पे डिपेंड करती है। तो लिखें वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्युत्पन्न की जाती है, ठीक है, तो वो राशियां क्या कहलाएगी, आपकी डेराइव या फिर व्युत्पन्न राशियां कहलाएगी। अब चलें देखते हैं कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि बल जो है, फोर्स जिसको बोला जाता है, वो क्या है। अब हमने देखा था कि ये बल फोर्स जो है वो उन सात में तो नहीं था, ठीक है, मतलब उन नौ में तो नहीं था, तो ये क्या है, एक डेराइव यूनिट है, एक व्युत्पन्न राशि है। तो चलिए इस व्युत्पन्न राशि को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं वो देखेंगे। बल जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू एम ए होता है। आपको इस डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको जस्ट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से डेराइव किया जाता है। F इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। ए जो है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है। इसको लिखा जाता है आपका डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। डी वी जो है इसको क्या लिखा जाएगा, डी वी जो है इसको हम डी एस अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। वेग जो है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर होती है, तो ये आप लिखें डी टी, तो ये हो गया, और इस डी वी को डी एस अपॉन डी टी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये जो मीटर है, सॉरी मास जो है, इसको हम क्या करेंगे, के जी में डिनोट करेंगे, अभी जो यूनिट हमने देखी थी। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम मीटर में डिनोट करेंगे, ठीक है, लंबाई तो होती है डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा मीटर,
डिवाइड क्या करेंगे, यहाँ पे भी टाइम है, यहाँ पे भी टाइम है, तो टाइम का यानी सेकंड का क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपकी इसकी मात्रक, यानी कि क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो ये है बल का मात्रक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि सारी की सारी फिजिकल राशियाँ जो हैं उनको क्या करेंगे, डेराइव कर सकते हैं। ऐसा ही मात्रक इसका न्यूटन होता है, आपको पता है। तो चलिए अब दूरी के कुछ एक मात्रक होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस या दूरी के कुछ मात्रक जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो चलिए उसके मात्रक देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे जो मात्रक काम आएगा वो है पार्सेक। नाम आपने सुना होगा इसका, ठीक है, पार्सेक। अब ये जो पार्सेक है वो क्या है, दूरी की सबसे बड़ी यूनिट है, यानी दूरी का सबसे बड़ा मात्रक यही है पार्सेक। तो लिखें यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साहब पार्सेक हो जाएगा। और वन पार्सेक जो है वो क्या किसके इक्वल होता है, वन पार्सेक ये बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अभी देखेंगे प्रकाश वर्ष क्या होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस का मात्रक है सबसे बड़ा पार्सेक, और एक पार्सेक जो है वो 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। तो चलिए नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं, तो वो प्रकाश वर्ष ही लेंगे यहाँ पे, प्रकाश वर्ष, या फिर इसको बोला जाता है लाइट ईयर। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसी दूरी को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश वर्ष बोलेंगे। तो लिखें यहां पे, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय दूरी, ठीक है, उसी को क्या बोला गया है, उसी को बोला गया है लाइट ईयर या फिर प्रकाश वर्ष। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष जो है वो किसके बराबर होता है, तो वन लाइट ईयर या एक प्रकाश वर्ष ये बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10^15 मीटर, ठीक है, ये इसके इक्वल है। आपको क्लियर हो गया, एक प्रकाश वर्ष जो है वो 9.46 इंटू 10^15 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो दूरी के दो मात्रक अभी हमने देखे हैं, एक तो पार्सेक हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया, लाइट ईयर हो गया। एक आता है खगोलीय इकाई AU, जिसको डिनोट किया जाता है दूरी के दो मात्रक हमने देखे। अभी थर्ड एग्जाम्पल जो है वो क्या है, खगोलीय इकाई। ठीक है, अब ये जो खगोलीय इकाई है ये पृथ्वी और सूरज के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको डिनोट करता है, ठीक है, किसको डिनोट करता है, पृथ्वी यानी अर्थ, पृथ्वी व सूर्य के बीच की औसत जो दूरी है उसको डिनोट करेगा, ठीक है, ये होता है खगोलीय इकाई। अब चलिए खगोलीय इकाई जो है वो किसके बराबर होता है, यानी वन AU जो है वो देखें तो वो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है साहब 14.96 इंटू 10^10 मीटर। क्लियर हुआ? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो क्या होती है, 14.96 इंटू 10^10 मीटर के इक्वल होती है, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब ये जो तीनों राशियां काम में आई है, अभी हमने देखे थे तीनों मात्रक, पार्सेक हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया और एक खगोलीय इकाई हो गया, ये तीनों आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी निकालने के काम आती है, ठीक है, तीनों क्या काम आती है, तीनों आकाशीय
पिंडों के बीच की दूरी निकालने में काम आता है, क्योंकि ये बहुत बड़े मात्रक होते हैं तो बहुत बड़ी दूरी को डिनोट करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल यूनिट्स के लिए इनको काम में नहीं लिया जाता। तो जो आकाश या पिंड जैसे होता है कि आप मेज़र कर रहे हो सूरज से लेके मून तक की डिस्टेंस या फिर पृथ्वी से मंगल ग्रह तक की डिस्टेंस, तो उन सब में क्या काम में आता है ये जो यूनिट्स हैं ये काम में आएगी। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं और कुछ मेजरमेंट स्केल हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट जो है वो आप देखें कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स देख लें अभी कि कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए गए हैं। अब ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं ये क्या हैं? पहले ये हुआ करता था कि अपना देश जो है, मतलब पहले क्या कर रहे थे कि मेन दो ही देश इस पे वर्क कर रहे थे, एक तो फ्रांस था एक था ब्रिटेन। अब फ्रांस जो है वो पहले क्या एक सिस्टम लेके आया मेजरमेंट का, और उस मेजरमेंट के सिस्टम को बोला गया CGS। ठीक है, तो पहला जो सिस्टम है वो हम CGS लिखेंगे, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपने देखा कि SI सिस्टम जो है वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में भी पता होना चाहिए। तो CGS ये पद्धति किसकी है साहब? ये है फ्रांस की। ठीक है, ये किसकी है? फ्रांस की है। तो चलिए CGS जो है वो क्या कैसे मेज़र किया जाता है। CGS में सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड लिया जाता है। ठीक है, सेंटीमीटर ये ग्राम में और ये सेकंड में। ठीक है, सेंटीमीटर दूरी की डिस्टेंस सेंटीमीटर ली, फिर ग्राम किलो मतलब जो मास की डिस्टेंस है वो ग्राम ले लिया, टाइम के लिए सेकंड यूज कर लिया। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जो बड़ी डिस्टेंस थी, जैसे आपको बहुत बड़ी दूरी मेजर करनी है तो आप क्या सेंटीमीटर में डिनोट करोगे? मान लीजिए आपको पूछा गया कि आप जयपुर से लेकर दिल्ली तक की डिस्टेंस बताइए, तो क्या आप उसको सेंटीमीटर में डिनोट करोगे? ठीक है, बहुत बड़ी यूनिट्स बन रही थी इसलिए इस प्रॉब्लम यही आ रही थी। अब इसको कम करने के लिए क्या किया गया, एक नया सिस्टम इन्वेंट किया गया और उसको बोला गया MKS सिस्टम। ठीक है, ये MKS सिस्टम भी एक फ्रांस का सिस्टम है, क्योंकि इसी से इसको इसके जो ड्रॉबैक्स आ रहे थे उन्हीं को कम करने के लिए MKS सिस्टम को लाया गया। ठीक है, ये काफ़ी प्रचलित भी हुआ, काफ़ी पॉपुलर भी हुआ MKS सिस्टम। अब MKS में क्या किया जाता है, जो लंबाई जो है इसको मीटर में नापा जाता है, मास जो है इसको किलोग्राम में। ठीक है, और टाइम के साथ कुछ भी नहीं किया गया, टाइम जो सेकंड में यहां पे था वो सेकंड में यहां पे ले लिया गया। ये तीन सिस्टम थे, सॉरी दो सिस्टम। अब इनके पैरेलल एक और देश था फ्रांस के साथ ही साथ ब्रिटेन भी अपना एक सिस्टम डेवलप कर रहा था और उसको बोला गया FPS सिस्टम। ठीक है, उसको क्या बोला गया? FPS। ये सिस्टम जो है वो ब्रिटेन का है। अब यहां पे क्या है, लंबाई जो है इसको फिट में लिया गया और वेट यानी मास जो है उसको किस में लिया गया, पाउंड में लिया गया, और टाइम को इस यहां पे भी सेकंड में लिया गया। तो ये जो था वो सिस्टम कहलाया FPS सिस्टम। ठीक है, इन्हीं नाम से आप CGS MKS इन नाम से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ठीक है, आपको अच्छे से पहले भी पता होगा ये वाला सिस्टम जो है वो आपको आज भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। जैसे आप ये फिट में दूरी को डिनोट करते हैं, हमें आपको पता है। पाउंड जो है, आप कभी बेकरी शॉप से केक खरीदने गए होंगे तो केक जो है वो पाउंड में दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से अभी भी इनके कुछ न कुछ सिंबल्स आपको मिलते हैं, लेकिन अभी क्या किया जा रहा है, पूरा का पूरा जो कंट्री है या फिर पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो एक ही सिस्टम पे काम कर रहा है, और उस सिस्टम को क्या बोला गया है, SI सिस्टम बोला गया है। ठीक है, जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं। अब ये डिस्कस क्या, ये सारे सिस्टम कब चलते थे, ये 1960 यानी 1960 से पहले का ये सिस्टम है। अब जो 1960 में एक मीटिंग हुई, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें सारा कुछ डिसाइड किया गया कि हम एक यूनिवर्सल सिस्टम लेके आएँ जहाँ पे किसी भी देश को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, सब जगह एक यूनिवर्सल सिस्टम चले, उसी को बोला गया है SI सिस्टम।
ठीक है। अब ऐसा ही सिस्टम हम पहले ही देख तो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक जनरल और बता देता हूँ मैं इसमें। इसके लिए क्या किया गया, ऐसा ही सिस्टम में आप तो एक तो क्या कर की जरूरत पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ती है, दूसरा एक यूनिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें काफ़ी प्रीफिक्स यूज हो रहे थे, इसलिए भी ये सूटेबल है। प्रीफिक्स का मतलब आपको पता है, मेगा, गीगा, किलोग्राम्स, ठीक है, सेंटी, डेसी, ये वाले सारे प्रीफिक्स होते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी की इस मार्कर की हाइट मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने लिखा कि इसकी हाइट जो है वो 4 इंच है, ठीक है, या सेंटीमीटर में अगर डिनोट करना चाहें तो मान लीजिए ये इसकी हाइट जो है वो कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर मान लीजिए। अब ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, ठीक है, उसके साथ इसको मेजर करने के लिए एक सेंटीमीटर जो है वो क्या आ गया, एक यूनिट आ गई। इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेंटीमीटर को अगर हम 20 बार रखेंगे तो वो मार्कर की लंबाई के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये तो है इसकी यूनिट और ये क्या हो गया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, इतने टाइम्स ये इसका मेजर कर रहा है। तो चलिए, ये था आपका सिस्टम पूरा, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, बेसिक है ये और ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक आपका मेजरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, मैकेनिक्स में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ और जो सिंबल बनते हैं वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू, और आई थिंक आपको ये सेशन इंजॉय किया होगा आपने और समझ आया होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।